केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 47 साल पहले 7 सितंबर 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माना में मुत्तफ़िका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया था। इस पूरे 47 साल के अरसा में इस मौका पर उम्मत मुस्लिमा अपनी दिली खुशी के इजहार के लिए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुत्तफ़िका फतवे की तायीद और तौसीक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सिद्दाए शुक्र बजा लाने की खातिर इस मौका पर अपने अजीम इज्तमात मुनक़िद करती है। इस साल उन इज्तमात में से एक इज्तमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7 सितंबर की शाम को मीनार पाकिस्तान लाहौर में अजीम शान इज्तमा मुनक़िद हो रहा है और उसमें इंशाअल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र के हज़रात उलमाए किराम रब्बे करीम के हुजूर इस अजीम फ़ैसला पर सजदा शुक्र बजा लाएंगे और हम तवक्को करते हैं कि इस्लामियान वतन इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे के तहत इसके अंदर शरीक होंगे। हक ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना खालसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ात को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के मुतरादिफ है। तो इस सुनहरी मौका से उम्मत को भरपूर फ़ायदा उठाकर इस कॉन्फ्रेंस को मिसाली तौर पर कामयाब कराना चाहिए। हक ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाएँ।